नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। रेडियो उड़ान पर मैं रिति आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ किचन एक्सप्रेस में। दोस्तों, खाने पीने का हमारा ये सफर हमेशा आगे बढ़ता ही जाता है। वैसे चीजें तो हमारे पास वही होती है, उसको मिक्स करने का और कुक करने का अंदाज ही अलग अलग होता है। वो चीजों को खास बना देता है और खास में से बहुत खास भी बना देता है। बस यही खास बात है कुकिंग की भी। और अब तो समर सीजन भी आ गई है, इसलिए ये तो स्वाभाविक है कि गेस्टों के पास खड़े रहने का मन भी नहीं करता। दिल चाहता है कि जल्दी से जल्दी खाना बना लिया जाए और झटपट से सर्व भी कर लिया जाए। इसके अलावा मन ऐसा भी होता है कि डेजर्ट खाने का मन ज्यादा होता है ना? अब समर में तो ये गर्मा गर्म चीजें खाने का तो शायद ही मन करता हो। ये विंटर थोड़ी ना है जब हम गैस के पास न सिर्फ कुक करने के लिए बल्कि इसलिए भी जाते थे कि हाथ हमारे गर्म रहे ताकि सर्दी से बच पाए। क्योंकि कहते हैं ना, सबसे पहले ठंड हाथ पैर में ही लग जाती है ना? लेकिन अब जब समर आ गया है तो ये सारे मकसद तो हमारे हैं ही नहीं, इसलिए गैस स्टोव को तो हेट ही किया जाता है। क्योंकि पंखा चला है तो फ्लेम है, उसको इफेक्ट होता है, और अगर ना जला है तो पूरा शरीर जैसे जलने को आ जाता है। कोई बात नहीं, आज हम ये सारी चीजों के लिए ऐसा उपाय देंगे आपको कि डेजर्ट्स भी खाने का मन करे, वो सारे डेजर्ट्स भी बताएंगे। इसके अलावा क्विक क्विक रेसिपीज भी बताएंगे जो आप झटपट से बना सकते हो, सर्व कर सकते हो, एंजॉय भी कर सकते हो। फिर चाहे आप पूरा दिन एसी में बिताएं या पंखे में बिताएं। न सिर्फ आज के प्रोग्राम में बल्कि हमारी ये सीरीज जारी रहेगी। समर के इस सीजन में बरकरार रहेगा हमारा ये दौर कि आपको क्विक रेसिपीज और जो समर के लिए खास करके फायदेमंद हो ऐसी रेसिपीज भी आपको आगे जाके बताई दी जाएगी। तो आज की हमारी थीम है समर स्पेशल डेजर्ट्स एंड क्विक रेसिपीज। तो दोस्तों, यही थीम के साथ एक बार फिर से मैं रिद्धि आप सबका स्वागत करती हूँ किचन एक्सप्रेस में। और अब हम करते हैं हमारा सफर शुरू किचन की ओर और जान लेते हैं कि आज की पहली रेसिपी हमारे लिए कौन सी है। आप जब स्वीट की बात करी है, डेजर्ट की बात करी है, तो शुरुआत क्यों न स्वीट से ही हो जाए। हमारी सबसे पहली रेसिपी है मलाई केक। वैसे अक्सर सबके साथ यही होता है कि ओवन में बेक करने से लोग इतराते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि उनको 100% रिजल्ट मिलने की गारंटी भी नहीं होती, और एक वजह ये भी है कि बहुत सारे लोग अपने पास ओवन रखना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको इसके इस्तेमाल का अंदाज ही नहीं होता है। लेकिन इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिना ओवन के भी आप अच्छे से बेक कर सकते हैं अपने गेस्ट की मदद से। इसलिए आज ये जो मलाई केक हम बनाएंगे वो गेस्ट की मदद से ही बनाएंगे, तो आपको ओवन ना होने से इतराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आइए फिर देख लेते हैं कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। मलाई केक बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 1.5 कप, सूजी यानी कि सेमोलिना 1/2 कप, मलाई 1 कप, शुगर 1 कप
यानी कि दोनों को सेम प्रपोर्शन में ही लेना है। बेकिंग सोडा हाफ टीस्पून, बेकिंग पाउडर हाफ टीस्पून, लेमन एसेंस 2 ड्रॉप्स, वेनिला एसेंस 2 ड्रॉप्स। दैट्स इट। क्योंकि रेसिपी तो हमें फटाफट बनानी है तो इंग्रेडिएंट्स भी कम से कम ही लेने हैं। आइए फिर आप इसको बनाने का तरीका भी जान लेते हैं। मलाई केक बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे बटर। इसमें धीरे धीरे शुगर ऐड करते जाना है, याद रहे धीरे धीरे, क्योंकि शुगर बटर के साथ डिजोल्व हो जानी चाहिए। अगर एक साथ ऐड करेंगे तो डिजोल्व होने में थोड़ा और टाइम लग जाएगा और डिफिकल्ट भी हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे उसको डिजोल्व करना है। जैसे ही वो डिजोल्व हो जाता है, अब हम उसमें मैदा और सूजी ऐड करते जाएंगे। पहले मैदा और सूजी को मिक्स कर लेना है और इसके बाद दोनों को ये बटर के साथ मिलाना है। क्योंकि बटर थिक होता है, जरूरत पड़ने पर हम हाफ कप जितने दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो कंसिस्टेंसी है वो ज्यादा थिक ना रहे, हमें इसकी पॉरिंग कंसिस्टेंसी ही रखनी है। चलो ये तैयार हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे एसेंस। सबसे पहले वेनिला एसेंस, इसके बाद ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, जितने जितने प्रपोर्शन में हमने लिया है उतने उतने प्रपोर्शन में। अब ऐड करेंगे लेमन ड्रॉप्स, बस 2 ड्रॉप्स ही ऐड करने हैं। अब पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि बटर हमने सॉल्ट लेस लिया था, इसलिए ही तो हम इसमें शुगर ऐड कर पाए थे। और हाँ, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि ये मलाई केक है, तो बटर की जगह मलाई भी ले सकते हैं। ज्यादातर मलाई घर में होती है, बटर तो हमें खरीदना पड़ता है, इसलिए मलाई केक में मलाई का ही इस्तेमाल रहे तो ज्यादा अच्छा है। और मलाई में तो सॉल्ट होती नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सॉल्ट ऐड करेंगे। आप अच्छे से मिक्स कर देंगे, जैसा मैंने पहले ही बताया कि हम पॉरिंग कंसिस्टेंसी रखेंगे, तो बिल्कुल इस तरह ज्यादा सीख नहीं रखना है। अब हम एक एल्युमिनियम का डिब्बा जैसा लेंगे, यानी कि एल्युमिनियम कंटेनर लेंगे। इसमें हम ये बैटर को पोर कर देंगे, और क्योंकि हमने अवन नहीं लिया है तो प्रेशर कुकर में से हम विसल और रिंग हटाकर उसको प्री हीट कर लेंगे। तकरीबन 30 मिनट तक प्री हीट कर लेना है। अगर आप चाहें तो जब ये बैटर प्रिपेयर करते हैं तब इसको प्री हीट करने के लिए रख सकते हैं, ताकि समय भी बच जाए। और हमारा जो मकसद है कि कम से कम समय में इसको बनाना है, वो भी सर्व हो जाए। अब प्री हीटेड कुकर में हम ये एल्युमिनियम कंटेनर रख देंगे, लेकिन हाँ, एल्युमिनियम कंटेनर को ग्रीस करके ही इसमें पोर करना है। इसमें आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है, प्री हीटेड कुकर में ऐसे ही रख देना है 35 मिनट तक। तब तक आपको उसका ध्यान रखने की भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 35 मिनट के बाद आप कुकर खोल के चाकू की मदद से चेक कर सकते हैं केक तैयार है। तो अब आप चेरी से इसको गार्निश करके सर्व कीजिए। हाँ, ठंडा तो होने ही देना है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं।
आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड नंबर वन इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूं। इस संस्था की गतिविधियां इस प्रकार हैं। यहां पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैंड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहां प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। गीत गाता चल, उसाते गुनगुनाता चल, मधुर संगीत मधुबन खुशबू देता है। कलाकारों के जीवन की रोमांचक बातें। इसके पहले कि दुनिया मुझ पर हंसे, मैं इसका गला घोट दूंगा। मेरा गला घोटने से अगर आप दुनिया की हंसी रोक सकते हैं तो घोट दीजिए मेरा गला। चुप बेशरम, तूने तो खानदान की नाक कटा दी। और पर्दे के पीछे की कई सुनी और अनसुनी कहानियां। गीत गाता चल, सुनना न भूलिए प्रोग्राम गीत गाता चल, मेरे यानी आरजे भूषण के साथ बुधवार रात 10 से 11 और पुनः प्रसारण गुरुवार शाम 5 से 6 आपके चहिते और फेवरेट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान पर, रेडियो उड़ान पर। तो दोस्तों, बैटर बनाने के अलावा इसमें कोई टाइम खर्च नहीं होता बेक करने के लिए, तो हम यू ही रख देते हैं। तो हमारा पर्पस हो गया कि बिना ओवन के हमने केक बना ली। ये एक बिल्कुल हैंडी तरीका है। अगर आपके पास ओवन ना हो तब भी आप इसको आजमा सकते हैं और आपका नाप भी देखा, यानी कि मेजरमेंट भी एकदम परफेक्ट। आपने एक बाउल शुगर, एक बाउल मलाई और 1/2 यानी कि एक कप पूरा, एक आधा कप, 1.5 कप जितना मैदा लिया था, 1/2 कप लिया था सूजी। तो ये केक बनेगा 400 ग्राम का। तैयार है मलाई केक। जैसा पहले ही बताया, बटर और मलाई को अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं इस केक में। केक की बात निकली है तो मुझे ये बताने की जरूरत है दोस्तों कि आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करना। आप मुझे तो यकीन है कि जरूर ट्राई करेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ विद मी रिद्धि इन किचन एक्सप्रेस। हमारी जर्नी तो आगे बढ़ती ही जाएगी क्योंकि इसमें हम सफर आप जो मिल गए हैं हमें, तो आप जानते हैं कि हमारी अगली रेसिपी कौन सी है। हमारी अगली रेसिपी है स्वीट सेलिब्रेशन। अरे, मैं किसी सेलिब्रेशन की बात नहीं कर रही, रेसिपी का ही नाम ऐसा है। जी हाँ, स्वीट सेलिब्रेशन। रेसिपी इतनी खास है कि नाम ही ऐसा है, स्वीट सेलिब्रेशन। आइए जानते हैं कि स्वीट सेलिब्रेशन बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी।
स्वीट सेलिब्रेशन बनाने के लिए हमें चाहिए दही 1/4 कप, कंडेंस मिल्क 1/4 कप, सिंगल क्रीम 1/4 कप, चेरी 1/4 कप, दैट्स इट। अब जब इंग्रेडिएंट्स कम है तो इसको बनाने का काम भी बहुत आसान है, ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। ये रेसिपी तो आप 5 मिनट के अंदर अंदर ही बना ले सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको तरीका बता देती हूँ, उसको ध्यान से सुनना है। अब जानते हैं स्वीट सेलिब्रेशन को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले दही में कंडेंस मिल्क मिलाना है। कंडेंस मिल्क ज्यादातर टेट्रा पैक लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो आप सिंपली डेरी का भी ले सकते हैं। दोनों को अच्छे से मिला देना है। अब सिंगल क्रीम ऐड करना है, अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद इसको ब्लेंड कर लेना है। अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद यही मिक्सचर में हम ऐड करेंगे चेरी के टुकड़े। आप चाहें तो एल्युमिनियम में जो पैक चेरी आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फ्रेश चेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चेरी थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए, यानी कि जूसी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए। अब यही चेरी के टुकड़े इसमें अच्छे से मिक्स कर देने हैं। अब हमें क्या करना है, इसको एक बार फिर से ब्लेंड कर देना है, लेकिन हमें पूरी तरह ब्लेंड नहीं कर देना, चेरी के छोटे छोटे पोर्शन नजर आए इस प्रकार ब्लेंड करना है, इनकी बिल्कुल ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी नहीं बना देनी है। अब अच्छे से ब्लेंड कर दिया, अब हम मदद लेंगे ओवन की, क्योंकि बेक करने का मजा भी कुछ और ही होता है। लेकिन यहाँ पर हम न सिर्फ बेक करेंगे बल्कि एक खास प्रकार का तरीका इस्तेमाल करेंगे जिसको कहा जाता है स्टीम बाथिंग। जी, स्टीम बाथिंग की मदद से हम इसको कुक करेंगे। स्टीम बाथिंग का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले एक ओवन प्रूफ बाउल में ये जो मिश्रण है उसको पोर कर देना है, और ओवन प्रूफ एक प्लेट लेनी है जिसके अंदर पानी ऐड करना है, लेकिन पानी इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि उसमें ये बाउल डूब जाए, बिल्कुल हल्का सा, यानी कि सिर्फ उसका जो बॉटम है वही कवर हो, इतना ही पानी ऐड करना है। अब यही डिश या ट्रे में बाउल रख देना है जिसमें हमने मिश्रण रखा है। अब इन दोनों को ओवन में सेट कर देना है। अगर आप ज्यादा पानी डालेंगे तो क्या होगा कि जो पानी है वो बबल्स बनके रेसिपी हमने जो बनाई है उसके अंदर चले जाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना, बल्कि हमारा मकसद ये है कि ये जो जेली बनेगी स्वीट सेलिब्रेशन नाम की, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहे। जनरली पानी नहीं ऐड करेंगे तो जेली बिल्कुल टाइट, एकदम थिक और ड्राई रहेगी, इस प्रकार नहीं। हमें थिक तो बनानी ही है लेकिन थोड़ा ऊपर मॉइस्चर रहे, ये भी हमारा मकसद है, इसलिए हमने इस प्रकार स्टीम बाथिंग की प्रोसेस का इस्तेमाल किया है। एक बार फिर से बता दूं कि पानी ज्यादा ऐड नहीं करना है, सिर्फ बॉटम कवर हो इतना ही पानी लेना है। आप इसको 30 सेकेंड्स के लिए 180 डिग्री पर ओवन कर लेना है, यानी कि बेक कर लेना है। इसके बाद इसको बाहर निकाल के थोड़ी देर के बाद, यानी कि
बस 5 सेकंड के बाद एक बार फिर से 30 सेकंड्स के लिए हमें इसको माइक्रोवेव कर लेना है वही टेम्परेचर पर। हो गई रेसिपी तैयार। आप चाहे तो इसको सेट करने के लिए फ्रीज कर सकते हैं और गार्निशिंग के लिए भी चेरी के टुकड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या इसको सिर्फ चेरी के साथ ही बनाया जा सकता है? नहीं, आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी क्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर होममेड स्ट्रॉबेरी क्रश है तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें स्वीटनेस कम होगी। अगर रेडीमेड स्ट्रॉबेरी क्रश का इस्तेमाल करते हैं तो कंडेंस मिल्क थोड़ा कम लेना होगा स्वीटनेस बैलेंस करने के लिए। तो आपको जितनी स्वीटनेस चाहिए उसके हिसाब से आप थोड़ा इधर उधर यानी कि कंडेंस मिल्क ज्यादा कम कर सकते हैं और जो भी क्रश लेते हैं उसमें भी ज्यादा कम कर सकते हैं। न सिर्फ स्ट्रॉबेरी क्रश, आप ब्लैक करंट क्रश भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि अगर आप चेरी के अलावा कुछ और लेते हैं तो क्रश के तौर पर लेना होगा। आप सीधा उसके टुकड़े नहीं ले सकते। और हाँ, एक बार फिर से याद दिलवा दूं कि कंडेंस मिल्क की मात्रा को फिर जांच के ऐड करना होगा, कहीं ये ना हो जाए कि ब्लैक करंट की स्वीटनेस के कारण स्वीटनेस ज्यादा ही बढ़ जाए क्योंकि कंडेंस मिल्क ऑलरेडी स्वीट होता ही है। तो इस प्रकार आप जो भी चाहें वो फ्लेवर के हिसाब से बना सकते हैं और स्वीट सेलिब्रेशन जेली आपके लिए है तैयार। तो हमारा ये मकसद सर्व हुआ या नहीं कि रेसिपी झटपट से बन जाए और आपको स्वीट स्वीट ठंडा ठंडा कुलकुल भी महसूस हो। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudaan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर जिसका नाम है रेडियो उड़ान। नमस्कार, सिल्वर लाइनिंग से प्रीति मोंगा बोल रही हूँ। हम लोग डिसेबल लोगों को जॉब्स दिलाने का काम करते हैं। जो लोग जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं वो हमें अपना सीवी या बायोडेटा इन इस ईमेल आईडी में भेज दें, preeti.monga@gmail.com। जल्द से जल्द आप अपना डिटेल्स हमें भेजें और हमारा फोन नंबर है 0987170166। धन्यवाद। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित।
यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित, मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई है, मैं उसके साथ निकल गई, मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। आपको खुश रखना ही हमारा मकसद है, इसलिए ये सफर आगे भी जरूर जारी रहेगी। किचन एक्सप्रेस में अब देखते हैं कि अगली रेसिपी होगी कौन सी। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ विद मी रिद्धि इन किचन एक्सप्रेस। सो स्टे ट्यून्ड इन फॉर मोर सच वंडरफुल रेसिपीज। देखा दोस्तों, ये स्वीट सेलिब्रेशन बनाने का एक फायदा ये भी है कि बस हमें मेजरमेंट को ही फॉलो करना है, केक की तरह और कुछ भी मजावची नहीं करनी कि इसमें ये ज्यादा हो गया वो ज्यादा हो गया और तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए, कुछ भी नहीं, बस वही सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो हमारे घर में जनरली अवेलेबल होते ही है। और रेसिपी भी कितनी झटपट से बन गई, यही तो कमाल की बात है। रेडियो उड़ान के साथ रहेंगे तो आपको इस प्रकार की मजेदार बातें जरूर सीखने को मिलेगी। करना चाहते हैं आप खूब मस्ती और धमाल, तो फिर सुनते रहिए रेडियो उड़ान। अब बढ़ते हैं हमारी अगली रेसिपी की ओर। स्वीट स्वीट तो बहुत कुछ हो गया, डेजर्ट्स इतने सारे हो गए कि अब कुछ और भी खाने का मन करता है ना? बिल्कुल, हम आपका वो पर्पस भी जरूर पूरा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हम इस प्रकार की रेसिपीज भी जरूर बताएंगे जो आसानी से बन जाए, गेस्ट के पास आपका ज्यादा समय ना बिताना पड़े। तो अब बात करते हैं एक तीखी तीखी लेकिन झटपट से बन जाए ऐसी रेसिपी की। ये रेसिपी है क्विक पास्ता विद मशरूम सॉस। है ना मजेदार नाम भी? नाम ही ऐसा है कि आप समझ गए कि ये बिल्कुल जल्दी से बन जाएगी। आइए फिर जान ही लेते हैं कि क्विक पास्ता विद मशरूम सॉस बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। क्विक पास्ता विद मशरूम सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए पेने पास्ता 2 कप्स, मशरूम रेडीमेड सूप पाउडर 1 पैकेट, ऑरेगानो 2 टेबलस्पून, कोरिएंडर 2 टेबलस्पून, चीज स्प्रेड 2 टेबलस्पून, बटर 2 टेबलस्पून, कैप्सिकम फाइनली चॉप्ड 1 कप, गार्लिक फाइनली चॉप्ड 2 टेबलस्पून, मिल्क 1/2 कप और अन्य मसाले। गार्निशिंग के लिए चिली फ्लेक्स, ऑरेगानो और ब्लैक ऑलिव्स। और पास्ता बनाने के लिए ऑलिव ऑयल। आइए अब जानते हैं कि क्विक पास्ता विद मशरूम सॉस बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करने के लिए रख देंगे। वैसे तो पास्ता को प्रेशर कुकर में जब बॉईल करते हैं तो ओवरकुक होने का डर रहता है, लेकिन जब पेने पास्ता की बात आती है तो वो पास्ता थोड़े थिक होते हैं नेचर वाइज, तो इसमें ओवरकुक होने की संभावना थोड़ी कम होती है। और हमारी रेसिपी भी इस प्रकार की है कि अगर थोड़ा ज्यादा कुक हो तो प्रॉब्लमेटिक नहीं होता।
जनरली पास्ता का ऐसा नियम होता है कि थिक पास्ता के साथ थिक सॉस सर्व किया जाता है और थिन पास्ता के साथ थिन सॉस सर्व किया जाता है, तो ये थिक पास्ता है। इसलिए अगर इसको थोड़ा सा ओवरकुक भी हो जाए तो डरने की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में पास्ता को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए जितने पास्ता है उससे हम दुगना पानी लेंगे, यानी कि 4 कप पानी लेंगे, 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट, ऑयल आप नॉर्मल ले सकते हैं, कोई भी जो आप इस्तेमाल करते हैं वही ऑयल लेना है। आप इसको 2 व्हिसल हो जाए तब तक अच्छे से बॉईल कर देना है। जब तक पास्ता बॉईल होता है तब तक हम प्रिपेयर करते हैं सॉस। सॉस प्रिपेयर करने के लिए एक पैन में 1 कप जितना पानी लेंगे। पानी को धीरे धीरे उबलने देना है। तब तक 1/2 कप पानी और लेंगे और उसमें जो हमने मशरूम रेडीमेड सूप लिया है उसका पाउडर, उसको डिसॉल्व कर देंगे 1/2 कप वाटर में। पहले 4 टेबलस्पून जितना लेंगे, ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाए तब और सारा डालेंगे, लेकिन अभी नहीं। सबसे पहले जो 1 कप पानी है अच्छे से उबल जाए। अब ये जो डिसॉल्व किया हुआ हमारे पास वाटर है उसको ऐड करेंगे वही उबले हुए पानी में। अब जो बचा हुआ पाउडर है उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से हिलाते रहना है, ज्यादा लंबा नहीं, बस 1-2 मिनट तक, ताकि वो बिल्कुल स्टिक ना हो जाए, अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। अब इसमें 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून चीज स्प्रेड, ये दोनों ऑप्शनल हैं, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ना चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से जो लुक है वो तो अच्छा आएगा ही और पास्ता भी बटरी बन जाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो इसको निकाल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ऐड करेंगे ओरेगानो, अब थोड़ा सा धनिया यानी कि 1 टेबलस्पून जितना, इसको अच्छे से बॉईल ही कर देना है भले ही हमने धनिया ऐड किया हो, इसकी अरोमा है वो बहुत अच्छी आएगी। इसको बहुत ज्यादा थिक नहीं करना है। अब सॉस है तैयार और अब पास्ता भी बॉईल होके तैयार है। अब हम पास्ता का अंतिम अंजाम देंगे। सबसे पहले एक पैन में हम लेंगे ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून जितना, आप चाहे तो 1 टेबलस्पून भी कर सकते हैं इसको। अब इसमें फाइनली चॉप्ड लहसुन ऐड करेंगे, इसको अच्छे से कुक कर लेना है। अब कैप्सिकम ऐड करेंगे, कैप्सिकम को अच्छे से फ्राई कर लेना है, बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए तब तक फ्राई करना है, ज्यादा समय नहीं लेगा, वो 10 से 15 सेकेंड्स में हो जाएगा। आप पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे, बहुत कम ऐड करना है क्योंकि सूप में भी सॉल्ट ऑलरेडी था, यानी कि हमने जो रेडीमेड सूप पाउडर लिया उसमें भी सॉल्ट था और पास्ता को बॉईल करते वक्त भी हमने सॉल्ट डाला है, तो इसलिए समझदारी से ही सॉल्ट ऐड करना है, बस हल्का सा ही ऐड करना है। अब हम इसमें सूप मिलाएंगे, यानी कि जो सॉस हमने तैयार किया है वो सॉस मिलाएंगे। अब इसमें पास्ता भी ऐड करेंगे, इसको धीरे धीरे से हिलाना है,
अब हम इसमें हाफ कप जितना मिल्क ऐड करेंगे ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। इसको ज्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि जब तक सर्व करते हैं तब तक वो थोड़ा थिक हो ही जाएगा। हमने इसमें बटर और चीज स्प्रेड जो ऐड किया है इसलिए। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून जितना सिंगल क्रीम डालेंगे। अच्छे से हिलाकर मिक्स कर देना है और पास्ता है तैयार। इतनी प्रोसेस के लिए 10 मिनट्स से ज्यादा समय नहीं लगता क्योंकि आपको ना कोई प्रिपरेशन करनी है ना वेजिटेबल्स चॉप करने हैं, सिर्फ कैप्सिकम और गार्लिक के अलावा कुछ भी और चॉप नहीं करना है, इसलिए इसको बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है और गैस पर भी आपको ज्यादा समय नहीं ही बिताना है क्योंकि पास्ता तो साइड में बॉयल हो जाते हैं, सिर्फ सॉस और बाद में दोनों को असेंबल करने की ही प्रोसेस आपको करनी है। आप पास्ता को सर्व करेंगे। गार्निशिंग के लिए चिली फ्लेक्स, ऑरेगानो और ब्लैक ऑलिव का इस्तेमाल करेंगे। ऊपर से धनिया भी डालेंगे ताकि कलर कॉम्बिनेशन अच्छा आए। हो गए मजेदार पास्ता तैयार। तो ये है क्विक पास्ता विद मशरूम सॉस। इसके अलावा आप चाहे तो टोमेटो सॉस भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। टोमेटो पाउडर जो रेडीमेड सूप के लिए आता है उसका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप हॉट एंड शॉर्ट सूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हॉट एंड शॉर्ट सूप, टोमेटो सूप, आप चाहे तो स्पिनच सूप, जो भी सूप आपको पसंद हो इसका कॉम्बिनेशन पास्ता के साथ ले सकते हैं। जनरली जो पेने पास्ता होते हैं वो थिक होते हैं, इसलिए आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पास्ता अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। जनरली हम जब पास्ता कुक करते हैं तो बहुत टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी लेते हैं। इसमें है कम से कम इंग्रेडिएंट्स और जल्दी से अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं। अगर इटालियन पास्ता या ऐसे कोई थिन पास्ता लेंगे तो केयरफुली कुक करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा सवाल ही नहीं है। एक मंच जहाँ मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सवाल हो और जवाब दूँ। एक मंच जहाँ होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहाँ होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए। नहीं, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण के नहीं चाहिए। एक मंच जहाँ मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहाँ मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudaan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन समय की है आवाज यही सुगम भारत अभियान सफल हो सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांग जन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके। अधिक जानकारी
www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। हाँ दोस्तों, गजल की इसी आग पर मबनी प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो रहा हूँ, प्रोग्राम शामे गजल में, जो आप सुन सकते हैं हर फ्राइडे रात 10 से 11 रेडियो उड़ान पर। शाम में गजल सुनना न भूलिए, रेडियो उड़ान पर फ्राइडे रात 10 से 11 आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। आए भुलाते भुलाते इंडिया, ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की, और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। से एवरीथिंग इज अ ग्रुप ऑफ इंटीग्रेशन। से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति। से एवरीथिंग मींस अ ग्रुप ऑफ फ्री एक्सप्रेशन। से एवरीथिंग इज एन इंटरनेशनल मेलिंग लिस्ट टू लर्न एंड शेयर, वेयर द सब्सक्राइबर्स कैन डिस्कस एवरी टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वीआ ईमेल एक्सचेंज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड टू सब्सक्राइब अवर मेलिंग लिस्ट, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's number one international mailing list. Come and join us today. तो फिर enjoy कीजिए summer, cook fast, serve fast, eat fast and enjoy, क्योंकि इसको खाने में भी आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आपको पसंद जो होते हैं पास्ता। आपके साथ सफर हमारा अभी भी जारी है, अभी भी आपके साथ रेसिपी तो हमें शेयर करनी ही है, तो बने रहिए हमारे इस सफर के साथ ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ विद मी रिद्धि के साथ। हमने डेजर्ट्स भी सीख लिए, जेली सीख ली, पास्ता सीख लिए, सब कुछ सीख लिया, तो फिर बच्चों की कुकीज को कैसे अवॉइड किया जाए। आइए फिर अब हम एंजॉय करेंगे बच्चों की कुकीज को। जी हाँ, अब हमारी अगली रेसिपी है कुकीज। अब कौन सी कुकी आपको बता दूं, तो है हनी आलमंड कुकीज। घबराइए मत, जल्दी से बन जाएगी और आपको कैप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम आपके दिल को अच्छे से जानते हैं कि आप समर में गैस को हेट करते हैं, इसलिए खास आपको ध्यान में रखते हुए ये रेसिपी हम लाए हैं आपके लिए। आइए फिर जानते हैं हनी आलमंड कुकीज कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। हनी आलमंड कुकीज बनाने के लिए हमें चाहिए हनी 1 टेबलस्पून, आलमंड फाइनली क्रश किया हुआ 2 टेबलस्पून, सेसमे सीड्स 2 टेबलस्पून, मैदा 2 कप, सूजी 1 कप,
milk 1 cup, butter 1 cup, sorry 1 cup, और जो butter है वो salty butter लेना है. Soda water 1/2 cup, vanilla essence 2 drops, बस इतना ही. आइए अब जानते हैं कि इस कुकी को बनाते कैसे हैं. सबसे पहले डो प्रिपेयर कर लेंगे. सूजी और मैदा को मिक्स कर लेना है. अब मिल्क और बटर की मदद से इसको बाइंड कर लेना है. इसके अलावा सोडा वाटर और बेकिंग सोडा भी ऐड करेंगे. सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब कुकीज बना लेनी है हमें. और बीच में छोटा छोटा सा हॉल बनाना है ताकि हम टॉपिंग कर पाए. और अब इन कुकीज को थोड़े थोड़े गैप पर रख के एक ट्रे में, जो ओवन प्रूफ ट्रे हो इसमें रख के ओवन कर लेना, यानी कि माइक्रोवेव कर लेना है. लेकिन बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रखना है ताकि ये कुकीज पूरी तरह फूल जाए, इसको फूलने का मौका मिले. तो यही बात ध्यान में रखते हुए इसको अच्छे से सेट कर लेना है. अब 5 मिनट तक इसको माइक्रोवेव कर लेना है. तब तक हम इसका टॉपिंग प्रिपेयर करते हैं. टॉपिंग प्रिपेयर करने के लिए आमंड जो ब्लांच की हुई हो उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे. इसमें रोस्टेड सेसमी सीड्स ऐड करेंगे, स्पूनफुल हनी भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब कुकीज भी है तैयार. अच्छे से जो गोल्डन ब्राउनिश कुकी हो गई हो तो हम इसको निकाल लेंगे. अगर नहीं हुई है तो थोड़ा और बेक होने देंगे, लेकिन यहाँ पर तो वो पूरी तरह बेक हो चुकी है. अब इसमें हम टॉपिंग ऐड करेंगे. जो हमने मिश्रण बनाया है वो सब हॉल में अच्छे से पैक कर देंगे स्पून की मदद से. अब कुकीज है तैयार. थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज कर देंगे ताकि जो टॉपिंग है वो अच्छे से सेट हो जाए. आप इसको किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे कि बटर को भी ऊपर अप्लाई करके सर्व कर सकते हैं, टी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर कोई भी चीज ऐसी हो जैसे कि मिल्क के साथ भी सर्व किया जा सकता है. तो जब बच्चों को समर में मिल्क पीना पसंद नहीं होता तब ये कुकीज आपके काम जरूर आएंगी. आप कह सकते हैं ना, अगर कुकीज चाहिए तो फिर मिल्क पीना पड़ेगा. इस बहाने मिल्क का मिल्क और बात भी बन गई हमारी. जब सबको याद करते हैं तो बच्चों को तो हम बिल्कुल इग्नोर कर ही नहीं सकते, इसलिए ये रेसिपी को भी आप जरूर ट्राई करना. वैसे इसको बनने में भी 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता. आप चिंता ना करें, इस प्रकार की और रेसिपीज जो हेल्दी भी हो, क्विक कुकिंग हो, हम आपके लिए और भी लेके आएंगे. लेकिन इसके लिए आपको करना होगा इंतजार पूरे एक हफ्ते का. तब तक आप ये सारी रेसिपीज ट्राई करते रहिए, एंजॉय कीजिए और मजे में रहिए, खाते रहिए, स्वस्थ रहे. और हमें अपना प्रतिभा लिख भेजे, बस यही आपका काम है रेडियो उड़ान के साथ रहकर. आप हमें प्रतिभा देने के लिए हमारा वेबसाइट का पता नोट कर लीजिए, जहां पर आप सबमिट फीडबैक लिंक पर क्लिक करके अपना प्रतिभाव जरूर दे सकते हैं.
हमारा वेबसाइट का आईडी है www.radioudaan.com radioudaan.com। आपका अपना एकमात्र ऑनलाइन रेडियो स्टेशन जो सबके दिल में है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमें स्काइप पर भी लिखकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। अगर आप अपनी रेसिपी शेयर करना चाहते हैं तो हमें मेल करके जरूर लिख भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है mail@radioudaan.com mail@radioudaan.com। आप चाहे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करके वहां पर भी कमेंट्स जरूर कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पता है www.facebook.com/radioudaan RADIO UDAAN। ट्विटर पर भी फॉलो करके आप जरूर हमें बता सकते हैं। हमारा ट्विटर आईडी है रेडियो उड़ान। दोस्तों, मैं और आप एक ऐसे सफर के साथ जुड़ चुके हैं जिसका अंत कभी भी नहीं होगा। अब हम सफर आपके जितने हो मजेदार, फिर सफर कैसे खत्म हो सकता है? तो हमारा ये सफर जारी करते हुए हम अगले हफ्ते आपको मिलने जरूर आएंगे। तब तक मुझे भी आपका इंतजार रहेगा, आपको भी मेरा इंतजार रहेगा, लेकिन इंतजार की घड़ियां भी मधुर होती है ना? तो बस यही इंतजार की घड़ियों को एंजॉय करते हुए अब हम आपसे विदा होंगे। अगर करनी है अगली मुलाकात तो जाना होगा आज। बस अगली मुलाकात के लिए ही आज विदा होना है दोस्तों। तो फिर आपकी इजाजत मुझे जरूर चाहिए। बिना आपकी इजाजत के जा कैसे सकते हैं? बस आप खाते रहिए, रेडियो उड़ान सुनते रहिए, मजे में रहिए, स्वस्थ रहे, यही तो है हमारा मकसद। आप तैयार हो जाएं इंस्पायर होने के लिए, क्योंकि रेडियो उड़ान इज आल्सो काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यू। सो आप रेडी फॉर इंस्पिरेशनल विंग्स। रिद्धिक को दीजिए इजाजत। स्टे ब्यूटिफुल, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, गुड नाइट एंड टेक केयर। अगली पेशकश जल्द ही ऑन रेडियो उड़ान। स्टे ट्यून्ड इन। दिस इज रिद्धि साइनिंग आउट फ्रॉम किचन एक्सप्रेस। यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है। मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते, और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानते हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनके मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.godfwoodtalks.in दैट इज goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट है। मैं आनंद आठलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का माननीय सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है।
और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info। आप कॉल कर सकते हैं 02266838637।